24 तारीख को पटना राजेंद्र नगर पे एनटीपीसी के लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे साथ धोखा हुआ है। उनके प्रोटेस्ट को सुनने के बजाय रेलवे ने क्या किया, ग्रुप डी वालों को कह दिया कि तुमको CBT2 यानी मेंस देना होगा। बताइए, अगर कोई लड़का कह रहा है कि हमको 4 ठो रसगुल्ला चाहिए तो आप 4 ठो दीजिए या फिर उसको शांत कराइए। रेलवे ने क्या किया कि बचा हुआ भी दे लिया उसको, किसी को 2 रसगुल्ला छोटे बच्चे को दिए और कह रहा है कि नहीं 2 नहीं चाहिए हमको 4 ठो चाहिए, और उसका 2 छीन लेंगे तो बवाल होगा। तो मेनली जो उग्र रूप लेने का कारण था वो ये था कि इसमें CBT2 जोड़ दिया गया, क्योंकि ये बच्चे शांति से पढ़ाई कर रहे थे, बहुत सारे लड़के इसमें के नहीं आए थे। लेकिन हुआ क्या कि एनटीपीसी में लड़के कम है, ये विरोध इसमें आधा का रिजल्ट हो गया वो नहीं, लेकिन क्या हुआ उसी के बीच RRB ने क्या कर दिया, अपना प्रोटेस्ट ये जारी कर दिया, इस वजह से ज्यादा विद्रोह हो गया। तो ये सोच सकते हैं कि RRB कितने अजीब लेवल का सोच रही है जिसका कोई हद नहीं है, और इसमें किसी भी तरह का कोई पॉलिटिक्स भी नहीं हो रहा है। कुछ लोग का कहना है, हम लड़कों से भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स को एंट्री मत होने दीजिएगा। अब तक किसी भी प्रोटेस्ट में सारे लोगों ने RRB की गलती किया, किसी ने रेल मंत्री साहब को बोला भी नहीं और ना ही प्रधानमंत्री को बोला। हालांकि रेल मंत्री जी बहुत सुलझे हुए इंसान है, ये बच्चों के पेपर में ही ज्यादा रहते हैं, लेकिन RRB वाले बच्चों की बात ही वहां नहीं पहुंचने दे रहे। तो इन आपसे भी कहते हैं एक बार बच्चों से भी मिलिए, बात कीजिए, RRB वाला खुद ही गलती की आपको गलत ही बताएगा वहां पर। यहाँ क्या हुआ, जो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर, इसमें देखिए जो पटना के DM साहब हैं वो बच्चों से मिलने गए, तो कौन लीडर है वहाँ कोई।